यूपी के फतेहपुर जिले में तीन तलाक का मामला सामने आया है। ससुराल जनों ने दहेज की मांग ना पूरी करने पर पीड़िता के साथ शादी के बाद से मारपीट कर प्रताड़ित कर रहे थे और उसी दौरान पति ने महिला को तीन तलाक दे डाला, जिसके बाद महिला अपने मायके वापस आ गई और अपने माता पिता के साथ रहने लगी। काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी ससुराल जन जब उसे वापस मायके लेने नहीं आए, तब जाकर महिला ने पुलिस को इस बात की लिखित तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने पति सहित ससुराल जनों के खिलाफ तीन तलाक और दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने थाने में जाकर शिकायत पत्र दिया था कि शादी के बाद से उसके पति और ससुराल जन दहेज की मांग ना पूरी होने पर उसके साथ मारपीट करते हैं और उसी दौरान पति ने महिला को तीन तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला अपने मायके जाकर अपने माता पिता के साथ रहने लगी, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। सीओ बिंदगी योगेंद्र मलिक ने बताया कि पीड़िता द्वारा थाने पर दी गई तहरीर की गई है कि शादी के बाद से उसके ससुराल वाले दहेज के कारण मारते पीटते थे। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा पैसा, मेरा जेवर मुझको वापस दिलवा दिया जाए और मैं उस घर नहीं जाना चाहती, मुझे जान का खतरा है। सरकार योगी जी से प्रार्थना है कि मुझे न्याय दिलाएं, अपनी बेटी को आज़ाद करवाएं। पति सुहैल ने मुझे तीन बार तलाक दिया और यहाँ तक कि मेरी ननद सायका ने, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, उन्होंने कहा फ्यूचर में कभी भी अगर लड़की तुम्हारे हो गई तो पटक पटक के लड़की को ही मार डालूंगी और मैं तुझे भी मार डालूंगी। और इस पे मेरी सास सुनती रही, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि तुम भी तो किसी की बेटी हो। मुझे बहुत प्रताड़ित किया गया और मुझे बहुत मारा गया। बस भाई को एक दिन बुलाया समझाने बुझाने के लिए, वो आए और हमने कहा कि अब इतना पैसा नहीं ना, हम कहाँ से दें, अगर नहीं ना पैसा तो फिर अपनी बेटी को रखो, उसको हम तलाक देते हैं, तलाक 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 कह के चले गए। और जो इसको घर पे मारपीट करी थी उसकी हम दवा करवा रहे हैं, दवा का भी कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। एक दिन साथ में गए हैं वो देखने के लिए कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, दोबारा फिर नहीं गए। एक महिला द्वारा थाना जहानाबाद पर अपने पति तथा ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज को मांग को लेकर उत्पीड़न करने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया गया तथा पति के विरुद्ध तलाक देने संबंधी आरोप भी लगाए गए। दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।